हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अब आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं उन सभी के पास एक सब्जेक्ट हैगा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का। तो मैं आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखेंगे इसकी जो 5 यूनिट है, पांचों यूनिट को हम एक एक करके कवर करने वाले हैं वन शॉट रिविजन वीडियोज के अंदर। 5 वीडियोज आएंगी, 5 वीडियोज के अंदर आपकी पांचों यूनिट कवर हो जाएंगी। तो बिना देर के शुरू करेंगे हम अपनी आज की वीडियो और देखना स्टार्ट करेंगे आज की रिविजन को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें अपने सभी दोस्तों के साथ, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इस टाइप के और कंटेंट के लिए। इनके जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए यूट्यूब चैनल का अबाउट सेक्शन या कम्युनिटी पोस्ट वाला जो सेक्शन है वहां पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहीं पर आपको इसके नोट्स अपलोड मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। तो देखिए, अब है हमारे पास यूनिट नंबर 3, इसका नाम क्या है, कम्युनिकेशन एंड मोटिवेशन। तो सबसे पहले मोटिवेशन क्या होता है ये समझने हैं। मोटिवेशन इज टू इंस्पायर पीपल टू वर्क इंडिविजुअल और इन ग्रुप इन सच अ वे सच एज टू प्रोड्यूस बेस्ट रिजल्ट। मतलब लोगों को इस तरीके से इंस्पायर करना, इस तरीके से इन्फ्लुएंस करना कि वो ग्रुप में रहकर या इंडिविजुअली भी अगर काम करना है तो इस तरीके से काम करें कि बेस्ट रिजल्ट निकल कर आ सके, तो उस चीज को कहा जाता है मोटिवेशन। इट इज द विल टू एक्ट, ये क्या होता है, काम करने की एक इच्छा होती है। इट इज द विलिंगनेस टू एक्सर्ट हाई लेवल ऑफ एफर्ट टुवर्ड ऑर्गेनाइजेशनल गोल कंडीशन्ड बाय एफर्ट एंड एबिलिटी टू सेटिस्फाई सम इंडिविजुअल नीड। ये क्या है एक तरीके से, और इसे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये एक विलिंगनेस होती है जिसकी वजह से क्या करते हैं, हम जो भी काम करते हैं वो हाई लेवल के एफर्ट्स के साथ करते हैं जिससे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव किया जा सके और ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ साथ इंडिविजुअल की नीड्स को भी सेटिस्फाई किया जा सके, तो उस चीज को मोटिवेशन कहा जाता है। मोटिवेशन इज गेटिंग समबडी टू डू समथिंग बिकॉज दे वॉन्ट टू डू इट। मोटिवेशन क्या होता है, कोई क्या करना चाहता है वो चीज कहलाती है मोटिवेशन। इट वॉज वंस अज्यूम्ड दैट मोटिवेशन हैड टू बी इंजेक्टेड फ्रॉम आउटसाइड बट इट इज नाउ अंडरस्टूड दैट एवरीवन इज मोटिवेटेड बाय सेवरल डिफरेंसिंग फोर्स एंड कैन कम फ्रॉम विद इन टू। अभी तक क्या, पहले क्या बोला जाता था कि जो मोटिवेशन है वो हम किसी को बाहर से मोटिवेट कर सकते हैं कोई काम करने के लिए, लेकिन अब ये जब स्टडी हुई तो समझा जा रहा है कि मोटिवेशन सिर्फ बाहर से नहीं होता है, इंसान के अंदर भी कुछ ऐसे फोर्सेस होते हैं जो उसे एक तरीके से इंस्पायर करते हैं, इनकरेज करते हैं मोटिवेट रहने के लिए और अच्छे से काम करने के लिए। तो मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ फोर्सेस स्टार्टिंग एंड कीपिंग अ पर्सन एट वर्क इन ऑर्गेनाइजेशन। मोटिवेशन क्या है, एक सेट है कुछ फोर्सेज का जो कि किसी पर्सन को काम पर काम को और अच्छे तरीके से करने में हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। मोटिवेशन इज समथिंग दैट मूव द पर्सन टू एक्शन एंड कंटिन्यू हिम इन द कोर्स ऑफ एक्शन ऑलरेडी इनिशिएटेड। मोटिवेशन क्या है, किसी भी पर्सन का वो एक्शन है जो उसे वो काम करने के लिए मोटिवेट करता है और उसमें इंगेज रहने के लिए और ज्यादा मोटिवेट रखता है, वो फोर्स एक कहलाता है मोटिवेशन फोर्स। ठीक है, अब मोटिवेशन की कुछ थ्योरीज आएंगी। सबसे पहले नीड थ्योरी है, इसके बारे में आपने पहले पढ़ रखा है, जो मॉडलों की नीड हायरार्की थ्योरी है ये आपने पढ़ा हुआ है पहले भी क्लासेस में। इट इज अ साइकोलॉजिकल थ्योरी दैट एक्सप्लेन व्हाई पीपल हैव स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन टू मीट देयर नीड एंड इज बेस्ड ऑन सिस्टम ऑफ हायरार्कियल ऑर्डर। ये क्या है, एक तरीके की साइकोलॉजिकल थ्योरी है जिसके अंदर ह्यूमन की नीड्स के अकॉर्डिंग उन्हें मोटिवेशन देखा जाता है, उसे मेजर करा जाता है। ये एक हायरार्कियल बेसिस पर है, मतलब पहले आपकी जो सबसे बेसिक नीड है, फिर उससे ऊपर वाली नीड, उससे ऊपर वाली नीड, ये बोला जाता है इस थ्योरी में कि जिस टाइप की जितना आपकी नीड्स का लेवल बढ़ता जाएगा उतना ही मोटिवेशन किसी इंसान की मोटिवेशन गेन करने की पावर इंक्रीज होती जाएगी। द थ्योरी ऑफ मोटिवेशन वॉज इनिशियली प्रेजेंटेड बाई अब्राहम मास्लो। किसने दी थी, अब्राहम मास्लो ने दी थी। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस नीड हायरार्की थ्योरी इज टू फुलफिल द लास्ट एंड हाईएस्ट नीड। इसका जो ऑब्जेक्टिव है इस मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी का, वो ये है कि जो पर्सन की हाईएस्ट नीड है उस नीड को पूरा किया जा सके, विच इज द नीड फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड होती है। इसके अंदर देखिए 5 नीड्स बताई हैं आपको। पहली है कि साइकोलॉजिकल नीड, तो द मोस्ट फंडामेंटल रिक्वायरमेंट दैट ह्यूमन हैव आर देयर साइकोलॉजिकल डिमांड, दीज आर नेसेसिटी दैट आर एब्सोल्युटली नेसेसरी टू सर्वाइवल। साइकोलॉजिकल नीड्स में वो सारी नीड्स आती हैं जो किसी भी पर्सन की बेसिक नीड हैंगी, जो हर पर्सन की एक नेसेसिटी होती है उसे पूरा करना, तो वो चीज़ आती है हमारी साइकोलॉजिकल नीड में। सेकेंड टाइप की नीड होती है सेफ्टी नीड, द नीड फॉर सेफ्टी आर द नेक्स्ट स्टेप, द इंडिविजुअल एम वरी इन सिचुएशन इन सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। द टर्म सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कैन रेफर वाइड रेंज ऑफ थिंग। उसके बाद जब किसी पर्सन की बेसिक नीड पूरी हो जाती है तो उसकी सेफ्टी नीड अराइज होती है, मतलब उसको एक तरीके की सिक्योरिटी चाहिए होती है, सेफ्टी चाहिए होती है किसी भी चीज से रिलेटेड, तो वो चीजें इसमें आती हैं। फिर आती है सोशल नीड, तो अकॉर्डिंग टू दिस नीड हायरार्की थ्योरी दिस इज लेवल 3। आफ्टर हैविंग सेटिस्फाइड साइकोलॉजिकल एंड सेफ्टी नीड अ पर्सन रीचेज द स्टेज वेयर ही शी
सीक अप्रूवल फ्रॉम अदर इन द फॉर्म ऑफ लव एंड बिलोंगिंगनेस। सोशल नीड्स के अंदर आपका क्या आता है, लव एंड बिलोंगिंगनेस की फीलिंग, मतलब जब किसी पर्सन की साइकोलॉजिकल और सेफ्टी नीड्स पूरी हो जाती हैं तो अब उस पर्सन को दूसरे लोगों से लव और अफेक्शन की जरूरत होती है, बिलोंगिंगनेस की फीलिंग क्रिएट करने की एक डिमांड होती है, तो वो सारी चीजें सोशल नीड्स के अंदर आती हैं। नेक्स्ट आती है हमारी एस्टीम नीड्स। सो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की नीड, दिस इज द फोर्थ लेवल। इट हैज टू डू विद अ पर्सन डिजायर टू एक्नॉलेज्ड इन सोसाइटी। इट एड्रेस गेनिंग एक्सेप्टेंस एंड एस्टीम इन सोसाइटी। एस्टीम का नीड्स के अंदर क्या नीड्स आती है कि सोसाइटी के अंदर आपका रिकॉग्निशन हो, सोसाइटी के अंदर लोग आपको पहचाने एक तरीके से, तो वो सारी नीड आती है एस्टीम नीड्स के अंदर। लास्ट है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो अकॉर्डिंग टू मोस्लो थ्योरी ऑफ द हायरार्की नीड, दिस इज द लास्ट लेवल। द टर्म सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड refers to the greatest level of need. It has to do with the need for an individual to reach and realize their maximum talent or potential. Self-actualization last level hai ga need hierarchy theory ka. Ye kaun si need hoti hai, wo need jo kisi person ki sabse highest need hoti hai, jise wo achieve karna chahta hai, apne talent ko pehchanna, jahan wo pahunchna chahta hai us level par pahunchna, wo sari cheeze self-actualization need ke andar aa jati hai. Theek hai, second theory jiske bare mein padhna hai wo hai ERG theory. To Clayton Elderfer redefined Maslow need hierarchy theory of motivation in order to align with actual research. अब जो Catlin Elderfer थे उन्होंने क्या करा, Maslow की जो need hierarchy theory थी उसे थोड़ा सा modify करा, उसमें कुछ changes लाए actual research के according, और उन्होंने इसी इन needs को और ज़्यादा अच्छे तरीके से explain करके बताया। The ERG theory of motivation is the name of his revision. Maslow hierarchy of requirement was reclassified him into three bigger and easier category. मोस्लो ने इन नीड्स को 5 कैटेगरी में डिवाइड करा था, लेकिन जो ये ERG थ्योरी है इसमें इन्होंने क्या करा, इन्हीं नीड्स को 3 बेटर कैटेगरी में डिफाइन कर दिया। तो सबसे पहले आती है इनके अकॉर्डिंग एग्जिस्टेंस नीड। तो द एग्जिस्टेंस नीड कंप्राइज ऑफ ऑल दोज नीड्स दैट रिलेट टू साइकोलॉजिकल एंड सेफ्टी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड आर प्रीरिक्विजिट फॉर सर्वाइवल। इन्होंने जो साइकोलॉजिकल नीड थी और सेफ्टी नीड थी उनको मिलाकर एक कैटेगरी में रख दिया एग्जिस्टेंस नीड के अंदर, जो हर ह्यूमन बीइंग के लिए परक्विजिट्स होते हैं किसी भी सर्वाइवल के लिए। मतलब अगर किसी पर्सन को सर्वाइव करना है तो ये एग्जिस्टेंस नीड का पूरा होना जरूरी है। दस मसलो साइकोलॉजिकल एंड सेफ्टी नीड आर ग्रुप्ड इनटू वन कैटेगरी बिकॉज ऑफ देयर सेम नेचर एंड सिमिलर इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल बिहेवियर। और किस लिए कर दिया गया था ऐसा, क्योंकि जो ये सेफ्टी और साइकोलॉजिकल नीड होती है इनका बिहेवियर सेम होता है, ये इंडिविजुअल के बिहेवियर को सेम लेवल से इंपैक्ट करती हैं। सेकंड टाइप की नीड थी रिलेटेडनेस नीड। तो द रिलेटेडनेस नीड रेफर्स टू द सोशल नीड दैट एन इंडिविजुअल सीक्स टू एस्टेब्लिश रिलेशनशिप विद दोज ही केयर्स फॉर। द रिलेटेडनेस नीड रेफर्स टू अवर डिजायर टू मेंटेन एसेंशियल रिलेशनशिप इंटरपर्सनली। रिलेटेडनेस नीड के अंदर कौन सी नीड आती है, जो मोस्लो नीड थ्योरी की सोशल नीड थी उसको नेम चेंज करके रिलेटेडनेस नीड रख दिया, जिसके अंदर क्या होता है कि कोई भी इंडिविजुअल दूसरे लोगों के साथ, जो लोग उसकी केयर करते हैं उनके साथ एक रिलेशन बनाने की कोशिश करता है और एक बॉन्डिंग क्रिएट करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है ग्रोथ नीड। तो ग्रोथ नीड रेफर्स टू द इंट्रिंसिक डिजायर फॉर पर्सनल डेवलपमेंट एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड अंडर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मैनेजर मस्ट अंडरस्टैंड दैट एन एम्प्लॉई हैज वेरियस नीड दैट मस्ट बी सेटिस्फाइड एट द सेम टाइम। ग्रोथ नीड के अंदर कौन सी नीड आती है, जो मोस्लो की सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड थी, जो जो एक एम्प्लॉई अचीव करना चाहता है वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं उसकी ग्रोथ नीड्स के अंदर। और एक जो एम्प्लॉय मैनेजर होता है या एम्प्लॉयर होता है उसे इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि एक एम्प्लॉय की नीड्स को, इन सारी नीड्स को कैसे सेटिस्फाई करा जाए। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरी जो पढ़नी है वो है हमारी टू फैक्टर थ्योरी। तो फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग प्रपोज द टू फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। An empirical study was conducted using a sample of 200 engineer and accountant, and based on the study finding, the various needs were categorized into two factor, namely hygiene factor and motivator. ये जो फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग थे इन्होंने टू फैक्टर थ्योरी दी, इसके अंदर इन्होंने क्या करा था, एक एक्सपेरिमेंट करा था जिसमें 200 इंजीनियर और अकाउंटेंट्स को लिया था और उनकी स्टडी से क्या चीजें फाइंड करी। उनकी स्टडी के बाद ये उन्होंने दो फैक्टर्स के अंदर नीड्स को डिवाइड कर दिया कि जो नीड्स होती हैं वो दो फैक्टर के लिए होती हैं, एक होते हैं हाइजीन फैक्टर की वजह से और एक होते हैं मोटिवेटर्स। तो हाइजीन फैक्टर क्या होते हैं, जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग मोटिवेशन एट वर्क इंक्लूड दोज दैट पर्टेन टू हाइजीन। लॉन्ग टर्म पॉजिटिव सेटिस्फेक्शन इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय दीज। हाइजीन फैक्टर वो होते हैं कि कोई भी अगर एम्प्लॉई काम वर्क कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो उसे किन किन नीड्स की जरूरत पड़ती है, किन किन जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स की जरूरत पड़ती है। हाइजीन फैक्टर्स के अंदर वो सारी चीजें आती हैं, क्या कंडीशन है वहाँ की, क्या उसको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, ये सारी चीजें हाइजीन फैक्टर्स में आ जाती है।
नेक्स्ट है मोटिवेटर, तो द प्रेजेंस ऑफ दिस फैक्टर इंक्रीज एफिशिएंसी इन एम्प्लॉय एंड मेक देम सेटिस्फाइड। मोटिवेटर्स क्या होते हैं? ऐसे फैक्टर जो इन एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर दें और उन्हें सेटिस्फाई करें, वो सारे चीज आती हैं मोटिवेटर के अंदर। दे फील हाईली मोटिवेटेड टू कंप्लीट अ टास्क ऑन टाइम, गिव टू देयर बेस्ट टू देयर ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर आपकी क्या क्या चीजें आ जाती हैं? रिकॉग्निशन, प्रमोशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी चीजें मोटिवेटर्स का काम करती हैं, जो कि किसी भी एम्प्लॉय को हाईली मोटिवेटेड रखती हैं कि वो टाइमली अपना टास्क जो उन्हें मिला हुआ है वो कंप्लीट करे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरी है थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। तो डॉगलस एमसी ज्रेजर फॉर्मुलेटेड द थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। दिस थ्योरी शेयर्स टू डिफरेंट व्यूज ऑफ एम्प्लॉय। ये डॉगलस एमसी ज्रेजर थे, इन्होंने ये थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई दी है। इन्होंने दो डिफरेंट टाइप्स के एम्प्लॉयज के व्यू को एक्सप्रेस कराए थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो एजम्पशन क्या है थ्योरी एक्स की? कि द टिपिकल एम्प्लॉय डिसलाइक वर्क एंड लुक फॉर वे टू अवॉइड इट वेन एवर पॉसिबल। थ्योरी एक्स के एम्प्लॉय कौन थे? जो वर्क को डिसलाइक करते थे और वो उससे एक तरीके से अवॉइड करना चाहते थे। नेक्स्ट है, इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशनल गोल द एम्प्लॉय मस्ट बी परसुएडेड, कंपेल्ड और वॉन्ड विद पेनल्टी बिकॉज ही डज नॉट वॉन्ट टू वर्क। और अब अगर ऑर्गेनाइजेशन को अपना गोल अचीव करवाना है तो उन्हें किन किन चीज़ों का वार्निंग और पेनल्टी का यूज करना पड़ता था? क्योंकि जो एम्प्लॉय हैं वो काम करना ही नहीं चाहते। मैनेजर मस्ट चूज क्लोजली सुपरवाइज देयर एम्प्लॉय। मैनेजर को अपने एम्प्लॉयज को सुपरवाइज करना पड़ता है। इसके अंदर द मैनेजर टेक ऑन मोर ऑटोक्रेटिक एटीट्यूड। और जो मैनेजर का एटीट्यूड होता है, मतलब नेचर होता है, वो ऑटोक्रेटिक टाइप का होता है। वो खुद ही सारे डिसीजन लेता है, एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व नहीं करता इसके अंदर। नेक्स्ट है, एम्प्लॉय डू नॉट प्रेफर टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर वर्क। इस थ्योरी के अंदर जो एम्प्लॉय हैं वो किसी भी टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं। दे आर रिजिड टुवर्ड चेंज एंड इनोवेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। और वो ऑर्गेनाइजेशन में चेंज और इनोवेशन के लिए रिजिड है, मतलब बिल्कुल भी फ्लेक्सीबल नहीं है। थ्योरी वाई की क्या क्या एजम्पशन थी? तो एम्प्लॉय लाइक देयर ऑर्गेनाइजेशन एंड जॉब। एम्प्लॉय को थ्योरी वाई के अंदर जो एम्प्लॉय थे उन्हें अपनी जॉब और ऑर्गेनाइजेशन पसंद थी, मतलब उन्हें काम करना अच्छा लगता था। मैनेजर डू नॉट नीड एनी पनिशमेंट और थ्रेट टू मेक एम्प्लॉय वर्क ऑन पर्टिकुलर टास्क। जो मैनेजर्स होते हैं उन्हें किसी भी टाइप की पनिशमेंट का या डराने का तरीके का यूज नहीं करना पड़ता था काम करवाने के लिए। एम्प्लॉय आर स्किल्ड एंड कैपेबल। जो एम्प्लॉय थे वो स्किल्ड थे, कैपेबल थे। एम्प्लॉय आर रेडी टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दे पजेस कैपेबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम एंड कम्प्लीट द टास्क ऑन देयर ओन। जो एम्प्लॉयज थे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार थे और खुद ही सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कैपेबल भी थे और कंप्लीट भी करते थे उन्हें। ठीक है, तो ये आपकी थी थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई दोनों का अंदर डिफरेंस। नेक्स्ट थ्योरी है जो पढ़नी है वो है एमसी कैलेंड थ्योरी ऑफ नीड्स। तो थ्री नीड्स मॉडल इज फॉर्मुलेटेड बाई डेविड एमसी क्लेडन। डेविड एमसी क्लेडन प्रपोज्ड दैट एन इंडिविजुअल्स स्पेसिफिक नीड आर एक्वायर्ड ओवर टाइम shapings one life experience. The need can be classified under three category: achievement, affiliation and power. ये MC Claddin theory के according जो David MC Claddin थे उन्होंने needs को तीन category में divide कर दिया था: achievement, affiliation and power. तो सबसे पहले achievement क्या होती है? This refers to the need to achieve something in your career field or interest area. Achievement needs वो needs होती हैं कि जो भी एक person है वो अपने career में, अपनी field में और जो उसका इंटरेस्ट एरिया है उसके अंदर वो क्या क्या चीजें अचीव करना चाहता है। दिस नीड मोटिवेट एंड ड्राइव पीपल टू वर्क एंड इवन हेल्प देम इन एंड्यूरिंग स्ट्रगल्स। ये नीड्स क्या करती हैं? किसी भी एम्प्लॉय को एक तरीके से और अच्छे से वर्क करने में हेल्प करती हैं और उन्हें अपनी स्ट्रगल्स को एक तरीके से टैकल करने में भी मदद करती है। नेक्स्ट है कि पावर। तो पावर इज द कैपेसिटी टू डायरेक्ट और शेप अदर पीपल एक्शन। पावर क्या होती है? दूसरे लोगों का जो एक्शन है उसे कंट्रोल करना, मैनेज करना, वो चीज कहलाती है पावर। हाई पावर इंडिविजुअल लुक फॉर सीनियर पोजीशन इन ऑर्गेनाइजेशन सो दे कैन एग्जर्ट इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल ओवर अदर। जो हाई पावर के इंडिविजुअल्स होते हैं वो चाहते हैं कि उन्हें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक सीनियर पोजीशन मिले जिससे वो दूसरे लोगों के ऊपर अपनी पावर को कंट्रोल और दूसरे लोगों को कंट्रोल और इन्फ्लुएंस कर पाए। दे टेंड टू बी डायरेक्ट, एग्रेसिव, डिमांडिंग, रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल। ये कैसा रहना चाहते हैं? ये डायरेक्ट, एग्रेसिव रहना चाहते हैं, डिमांडिंग, रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल रहना चाहते हैं। नेक्स्ट टाइप की नीड हैगी एफिलिएशन। दिस इज रेफरेंस टू डिजायर टू स्टेबलाइज इंटरपर्सनल और सोशल कनेक्शन विद अदर पीपल। एफिलिएशन का मतलब क्या होता है? दूसरे लोगों के साथ एक सोशल कनेक्शन क्रिएट करने की डिजायर, वो चीज कहलाती है एफिलिएशन। पीपल प्रेफर टीम वर्क, सीक अप्रूवल फ्रॉम अदर एंड डेवलप टाइज। लोग क्या चाहते हैं? टीम के अंदर काम करना चाहते हैं, दूसरों का अप्रूवल लेना चाहते हैं और टाई अप करना चाहते हैं। दे टेंड टू स्टे अवे फ्रॉम अनक्लियर डेंजरस सिचुएशन एंड फेवर टीम वर्क ओवर राइवलरी। ये क्या चाहते हैं? कोई भी डेंजरस या अनक्लियर सिचुएशन से दूर रहना चाहते हैं और टीम वर्क को प्रमोट करते हैं ऐसे लोग, जिनकी ये नीड्स होती हैं। ठीक है,
तो ये हो गई आपकी जो भी आपकी नीड्स की थ्योरी थी, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका कंटेम्प्रेरी थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन की क्या क्या थ्योरीज हैंगी, तो सबसे पहली थ्योरी है मोटिवेशन की गोल सेटिंग थ्योरी। तो द गोल सेटिंग थ्योरी वॉज क्रिएटेड बाय एडविन लॉकी एंड गैरी लेथम। अकॉर्डिंग टू थ्योरी गोल्स हैव बीन इंपैक्ट ऑन एम्प्लॉयज मोटिवेशन। ये थ्योरी जो गोल सेटिंग थ्योरी थी ये किसने दी थी, एडविन लॉकी एंड गैरी लेथम ने ये थ्योरी दी थी। इनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो किसी भी एम्प्लॉय के गोल्स होते हैं वो उसके मोटिवेशन को सबसे ज्यादा इंपैक्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू गोल सेटिंग थ्योरी सेटिंग क्लियर चैलेंजिंग गोल इज एसेंशियल फॉर इंस्पायरिंग मोटिवेटेड एक्शन। और गोल सेटिंग थ्योरी के अंदर एक क्लियर और अचीवेबल गोल, चैलेंजिंग गोल होना जरूरी है, तभी कोई किसी पर्सन को मोटिवेट किया जा सकता है। गोल सेटिंग थ्योरी सजेस्ट दैट पीपल हैव वांट एंड वैल्यू दैट शेप देयर डिजायर। गोल सेटिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या सजेस्ट करता है कि लोगों की वॉन्ट्स होती हैं और जिनकी वॉन्ट्स और वैल्यूज होती हैं जो कि उनकी इच्छा की, जो उनकी डिजायर है उसी शेप देती है। मतलब वो क्या अचीव करना चाहते हैं, क्या उनकी डिजायर है, वो उनके गोल पर डिपेंड करती है। द वैल्यू ऑफ डिफरेंट पीपल डू वेरी, तो एज अ रिजल्ट डिफाइनिंग गोल बिकम अ मीन्स ऑफ गेटिंग व्हाट एन एम्प्लॉय वांट्स। तो किसी भी एम्प्लॉय के गोल को जानना, डिफाइन करना एक सबसे बड़ा फैक्टर बन जाता है उसको ये जानने के लिए कि उस एम्प्लॉय को क्या चाहिए। इफ दे डिस्कवर दैट एग्जिस्टिंग कंडीशन इज अनसेटिस्फैक्ट्री, अगर जो एम्प्लॉयर है उसे ये लगता है कि अभी जो है वो अनसेटिस्फैक्ट्री है, मतलब कोई जो एम्प्लॉय है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो उसके वो गोल्स को जाने जिससे पता लग सके कि उसे किस चीज की जरूरत है। सेकेंड टाइप की थ्योरी है जो आपकी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन में है वो है री इन्फोर्समेंट थ्योरी। तो द थ्योरी ऑफ री इन्फोर्समेंट वॉज डेवलप्ड बाय बी एफ स्किनर। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एक्शंस आर डिटरमाइंड बाय देयर रिजल्ट। एक्शन इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, क्या सजेस्ट करती है ये थ्योरी कि जो किसी भी पर्सन के एक्शन है वो किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं, कि उसका रिजल्ट क्या होगा इस चीज़ पर उसके एक्शन डिपेंड करते हैं किसी भी पर्सन के। इन कंट्रास्ट टू कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन कैन बी इम्प्रूव्ड बाय वेरिएबल आउटसाइड द वन आउंस माइंड। ये थ्योरी क्या सजेस्ट करती है कि किसी भी पर्सन को मोटिवेट किस तरीके से किया जा सकता है, उसके एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से किसी पर्सन को मोटिवेट किया जा सकता है। देयर आर टू टाइप ऑफ री इन्फोर्समेंट, दो तरीके के री इन्फोर्समेंट होते हैं, एक पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट एक नेगेटिव री इन्फोर्समेंट। पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट रेफर्स टू द ऑकरेंस ऑफ वैल्यूड बिहेवियरल कॉन्सिक्वेंस दैट स्ट्रेंथन द प्रोबेबिलिटी ऑफ बिहेवियर बीइंग रिपीटेड, एंड नेगेटिव री इन्फोर्समेंट रेफर्स टू द अनडिजायरेबल बिहेवियर कॉन्सिक्वेंस दैट इज विदहेल्ड with the effect of strengthening the probability of behavior being repeated। क्या बोला है, पॉजिटिव reinforcement क्या होता है, वो इफेक्ट जिसकी वजह से क्या हो, किसी पर्सन के जो बिहेवियर है वो बार बार रिपीट हो, तो वो चीज़ कहलाती है आपकी पॉजिटिव reinforcement। वहीं नेगेटिव reinforcement में क्या है, ऐसे फैक्टर्स जिनकी वजह से कोई पर्सन अपने बिहेवियर को बार बार रिपीट ना करे, वो चीज़ कहलाती है नेगेटिव reinforcement थ्योरी, ठीक है। तो reinforcement theory is an important explanation of how people learn behavior. Behavior modification focuses on the external environment by stating that manipulating consequences can affect behavior. Reinforcement theory की explanation के लिए ये जरूरी है, इसलिए जरूरी है क्योंकि इसे हमें समझ सकते हैं कि लोगों का behavior क्या है, उसे हम समझ सकते हैं लोगों के behavior को, तो इसलिए ये reinforcement theory important होती है, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरी है सेल्फ एफिकेसी थ्योरी। तो सेल्फ एफिकेसी इज हैविंग फेथ दैट यू कैन कंप्लीट अ टास्क और अचीव अ पर्टिकुलर गोल। सेल्फ एफिकेसी का मतलब क्या होता है कि आपको अपने आप पे भरोसा है कि आप इस टास्क को कंप्लीट कर पाएंगे, जो आपका गोल है उसे अचीव कर पाएंगे। ऑथर ऑफ द सेल्फ एफिकेसी थ्योरी मोटिवेशन इज एल्बर्ट बंडूरा। ये थ्योरी किसने दी थी, एल्बर्ट बंडूरा ने ये थ्योरी दी थी। अवर सेल्फ एफिकेसी एंड सब्सिक्वेंट परफॉर्मेंस ऑन अ टास्क आर बेस्ड ऑन फोर क्राइटेरिया। इनके अकॉर्डिंग जो सेल्फ एफिकेसी है वो किसी भी पर्सन की किन चार क्राइटेरिया पर डिपेंड करती है, एक्सपीरियंस, विकेरियस एक्सपीरियंस, सोशल परसेप्शन एंड साइकोलॉजिकल फीडबैक। तो एक्सपीरियंस क्या होता है, तो एक्सपीरियंस इज द सम टोटल ऑफ योर प्रायर एकम्प्लिशमेंट ऑफ कंपेरेबल जॉब। पहले आपने जॉब्स को करते समय क्या क्या चीजें गेन करी हैं, उन सभी का सम टोटल कहलाता है आपका एक्सपीरियंस। इट इज द मोस्ट क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ सेल्फ एफिकेसी थ्योरी। इफ अ पर्सन हैव परफॉर्मड अ टास्क इन पास्ट He is more likely to have good experience of it rather than a new able performing their task. अगर किसी पर्सन ने कोई काम पहले करा हुआ है जो अब उसे दोबारा करना है, तो वो उसको उस पूरे काम का एक्सपीरियंस होगा, वो उस काम को अच्छे से कर पाएगा as compared to a new person. Next है vicarious experience. तो your self-efficacy will rise if you see someone who is similar to you undertake the task and complete it successfully. Vicarious experience क्या होता है, आपकी जो self-efficacy है वो increase हो जाएगी अगर आप ये देखेंगे
कि हाँ मेरे से, मेरे जैसा ही कोई पर्सन है, मेरे से सिमिलर कोई पर्सन है, उसने ये काम पहले नहीं करा हुआ है, फिर भी वो इस काम को और सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेता है, तो फिर आपकी सेल्फ एफिकेसी इंक्रीज हो जाएगी कि नहीं, मेरे को इससे और अच्छा करना है, वरना ये मेरी पोजीशन गेन कर सकता है। नेक्स्ट है सोशल परसेप्शन। तो इफ पीपल बिलीव यू कैन डू अ टास्क, यू कैन फील मोर कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ। लाइकवाइज इफ यू हियर नेगेटिव और इंसल्टिंग कमेंट अबाउट योर कैपेसिटी टू कंप्लीट अ टास्क, योर सेल्फ एफिकेसी विल ड्रॉप। सोशल परसेप्शन में क्या आता है कि अगर आप दूसरे लोगों से सुनते हैं कि कोई कह रहा है कि हाँ तुम ये काम कर लोगे, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस और इंक्रीज हो जाता है और आपकी सेल्फ एफिकेसी इंक्रीज हो जाती है। लेकिन वहीं अगर आप किसी का नेगेटिव कमेंट सुन लेते हैं कि आप ये काम नहीं कर सकते या कुछ, तो फिर आपकी सेल्फ एफिकेसी ड्रॉप हो जाती है। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल फीडबैक। तो व्हेन यू फेस्ड विद अ टास्क, योर बॉडी गिव ऑफ अ फिजिकल सेंसेशन, योर लेवल ऑफ सेल्फ एफिकेसी विल डिपेंड ऑन हाउ यू इंटरप्रेट दिस सिग्नल। क्या बोला है, जब भी आप कोई टास्क करते हैं तो आपकी बॉडी में एक सेंसेशन आती है आपके सामने, आपको पता लगता है कि कुछ हुआ, लेकिन आपकी सेल्फ एफिकेसी इसी चीज पर डिपेंड करती है कि वो जो आपको बॉडी ने सिग्नल दिया है कि आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, अगर आपने उसे अच्छे से इंटरप्रेट कर लिया तो आप समझ जाओगे, वरना आप उसमें फिर कोई मिस्टेक कर सकते हो एक तरीके से। ठीक है, तो ये आपकी थी मोटिवेशन की थ्योरी। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है जो हमें करना है, वो हैगा कम्युनिकेशन का। द कम्युनिकेशन कैन बी लूजली डिफाइंड एज ट्रांसमिशन एंड रिसीविंग ऑफ मैसेज सच दैट इट गिव अ यूनिटी ऑफ पर्पस अमंग द पीपल कंसर्न्ड और विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है, आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, किसी भी मैसेज का ट्रांसमिशन या मैसेज को रिसीव करना है, जिससे क्या हो सके, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर एक यूनिटी लाई जा सके, उनको उनका ऑब्जेक्टिव समझाया जा सके, वो चीज कहलाती है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेज। इट इज कंसिडर्ड इफेक्टिव व्हेन इट अचीव द डिजायर्ड रिस्पॉन्स और रिएक्शन फ्रॉम द रिसीवर। ये कम्युनिकेशन इफेक्टिव कब होता है, जब जिसको आपको मैसेज देना था उनसे आपको एक अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाता है, तो ये कम्युनिकेशन इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहलाता है। कम्युनिकेशन साइकिल क्या होती है, आप लोगों ने पहले पढ़ी हुई है। सेंडर कौन होता है, वो पर्सन जो कम्युनिकेशन को बिगिन करना चाहता है और मैसेज को ट्रांसफर करना चाहता है। इनकोडिंग क्या होता है, तो द सेंडर सिलेक्ट द कोड और स्ट्रक्चर विच विल द कंटेंट और फॉर्म ऑफ मैसेज। किस फॉर्म में और किस स्ट्रक्चर में जो सेंडर है वो रिसीवर तक मैसेज को भेजना चाहता है, वो कहलाता है इनकोडिंग। दिस सिलेक्शन डिपेंड ऑन लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन, स्किल ऑफ सेंडर एंड कॉम्प्रिहेंशन लेवल। ये किस किस चीज पर इनकोडिंग डिपेंड होती है, कि लैंग्वेज क्या क्या जानता है रिसीवर, उसको किस किस, उसकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है और उसका कॉम्प्रिहेंशन लेवल कैसा है। नेक्स्ट है मैसेज क्या होता है या मीडियम क्या होता है। तो मीडियम का मतलब होता है वो भी कोई चैनल जिसके थ्रू मैसेज सेंडर से रिसीवर तक पहुंचता है, वो चीज कहलाती है आपकी मीडियम। डिकोडिंग क्या होता है, अब जो मैसेज रिसीवर तक पहुंच गया, अब रिसीवर उसे अपनी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेगा, तो उसे प्रोसेस को कहा जाता है आपका डिकोडिंग। नेक्स्ट होता है रिसीवर। रिसीवर कौन पर्सन होता है, जिसके पास तक मैसेज पहुंचना होता है, जिसके लिए सेंडर ने मैसेज भेजा होता है, वो पर्सन कहलाता है रिसीवर। एंड फीडबैक क्या होता है, उस मैसेज को समझकर जो रिसीवर है वो क्या रिस्पॉन्ड कर रहा है सेंडर को रिटर्न में, तो वो चीज कहलाती है आपकी फीडबैक। ठीक है, ये आपका कंप्लीट प्रोसेस होता है, ये मैंने आपको ऐसे ही एक्सप्लेन कर दिया, आप इसे रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट है पर्सुएसिव कम्युनिकेशन क्या होता है। तो द एक्ट ऑफ प्रेजेंटिंग आर्ग्यूमेंट टू मूव मोटिवेट और चेंज योर ऑडियंस इज कॉल्ड पर्सुएशन। मतलब कोई भी ऐसा एक्ट या आर्ग्यूमेंट को प्रेजेंट करना जिससे आप क्या कर सके, अपने ऑडियंस को मूव कर सके, मोटिवेट कर सके और उनमें चेंज ला सके, उस चीज को पर्सुएशन कहा जाता है। द आर्ट ऑफ पर्सुएसिव कम्युनिकेशन इन्वॉल्व पर्सुएडिंग अदर टू एक्सेप्ट योर व्यू पॉइंट। पर्सुएशन कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, ऐसा कम्युनिकेशन जिसके थ्रू आप क्या कर सकें, आप दूसरे लोगों को अपना जो आपका व्यू पॉइंट है उसे मनवाने में, मतलब उसको एक तरीके से हाँ करवा सकें, लोगों की उनको उसके ऊपर एग्री करवा सकें, वो चीज कहलाती है पर्सुएसिव कम्युनिकेशन। एक्सेप्ट योर आइडिया, जो आपका आइडिया है वो उसे एक्सेप्ट करें, एक्ट ऑन योर बिहाफ और आपके अकॉर्डिंग एक्ट करें, वो चीज कहलाती है पर्सुएसिव कम्युनिकेशन। इट इज एन इंपॉर्टेंट एबिलिटी फॉर बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट बिकॉज इट मे हेल्प इन परफॉर्मिंग डील, नेगोशिएशन, रिलेशनशिप बिल्डिंग एंड अचीवमेंट ऑफ बिजनेस गोल। ये पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों तरीके के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, क्योंकि अगर आपके पास ये एबिलिटी होती है तो आप डील में नेगोशिएट अच्छे से कर पाएंगे, रिलेशनशिप अच्छी बिल्ड कर पाएंगे और जो आपका बिजनेस गोल है उसे अच्छे से अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका पर्सुएसिव कम्युनिकेशन। पिलर क्या क्या होते हैं पर्सुएसिव कम्युनिकेशन के। नंबर वन आता है इथोस। तो इथोस क्या है, इट इंडिकेट अपील टू एथिक, रेफर्स टू द एफर्ट्स टू कन्विंस योर ऑडियंस ऑफ योर क्रेडिबिलिटी एंड कैरेक्टर। एथोस का मतलब होता है किसी से अपने एथिक्स के अकॉर्डिंग अपील करना, जिस मतलब ऐसे एफर्ट्स देना कि आप अपने ऑडियंस को कन्विंस कर सकें आपके क्रेडिबिलिटी और कैरेक्टर की वजह से।
सेकेंड है पैथोस, तो इट इंडिकेट अपील टू इमोशन, अपने इमोशंस के थ्रू अपील करना। रेफर्स टू एफर्ट टू परसीड योर ऑडियंस बाई मेकिंग एन अपील टू देयर फीलिंग, उनकी फीलिंग्स के साथ एक तरीके से उनकी फीलिंग के अकॉर्डिंग उनसे अपील करना कि वो आपकी बात को माने। और थर्ड हैगा लोगोस, तो इट इंडिकेट अपील टू लॉजिक, लॉजिकल अपील करना एक तरीके से। रेफर्स टू द एफर्ट्स टू कन्विंस योर ऑडियंस बाई यूजिंग लॉजिक एंड रीजन, लॉजिक्स का और रीजन का यूज करके अपने ऑडियंस को कन्विंस करना, वो कहलाता है लोगोस। ठीक है, तो ये तीन पिल्लर रहेंगे पर्सुएसिव कम्युनिकेशन के। नेक्स्ट आता है आपका कम्युनिकेशन के स्टाइल। ज्यादातर इन स्टाइल्स के बारे में आपने पहले पढ़ा हुआ है। पहला आएगा पैसिव कम्युनिकेशन स्टाइल, तो द मेजोरिटी ऑफ पैसिव कम्युनिकेशन आर रिजर्व्ड एंड आर नॉट इंटरेस्टेड इन गेटिंग अटेंशन ड्यूरिंग डिस्कशन, दे माइट सीम अनइंटरेस्टेड एंड हार्डली एवर टेक अ स्टैंड और स्पीक फॉर देमसेल्व्स। पैसिव कम्युनिकेशन क्या होता है, ये एक तरीके का जो ज्यादातर पैसिव कम्युनिकेशन होते हैं वो रिजर्व्ड होते हैं और इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं होते हैं। ये जो ये कम्युनिकेशन का स्टाइल है पैसिव कम्युनिकेशन का, ये इंटरेस्टेड नहीं होता है। डिस्कशन के टाइम पर इसे अनइंटरेस्टेड स्टाइल माना जाता है। इसके अंदर क्या होता है, कोई पर्सन सिर्फ अपने लिए एक तरीके से स्टैंड अप लेता है, बाकी उसे और किसी से कोई मतलब नहीं होता है। इट कुड बी चैलेंजिंग फॉर द कोऑर्डिनेटर टू नो इफ दीज स्पीकर आर फेसिंग एनी डिस्कम्फर्ट वाइल डूइंग डिबेट्स और इवन स्पीकिंग। तो इसकी वजह जो पर्सन पैसिव कम्युनिकेशन का यूज करता है उसकी बात को फिर जो कोऑर्डिनेटर होता है वो भी नहीं समझ पाता है कि आखिर एक्चुअल में ये पर्सन को डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है या क्या फील हो रहा है जिस वजह से ये इस तरीके से बात कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है का एग्रेसिव स्टाइल, तो द व्यू एंड सेंटीमेंट ऑफ एग्रेसिव कम्युनिकेटर्स आर कॉन्स्टेंटली एक्सप्रेस्ड एंड दे हैव फ्रीक्वेंटली डोमिनेट टॉक्स। एग्रेसिव स्टाइल क्या होता है, एक गुस्से से भरा तरीका जिससे मैं कम्युनिकेशन की जाए। इसके अंदर क्या होता है, किसी भी पर्सन के जो एग्रेसिव स्टाइल फॉलो कर रहा होता है उसके एक्सप्रेशंस और इमोशंस डायरेक्टली हाईलाइट हो जाते हैं, वो डोमिनेट करना चाहता है टॉक को, ये सारी चीजें इसमें होती हैं। दे माइट आल्सो बिहेव विदाउट फर्स्ट थिंकिंग, या बिना सोचे समझे कुछ भी कर देते हैं, विच माइट डैमेज रिलेशनशिप, जिसकी वजह से रिलेशनशिप भी खराब हो जाती है और प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। दिस स्टाइल माइट बी नीडफुल एक्ट इन सम जॉब बट पीपल टेंड टू गेट डिस्टर्ब बाय दे स्टाइल इफ दे आर मोर काल्म एंड शॉर्टेड इन नेचर। ये कई जगहों पर अच्छा भी साबित होता है, लेकिन ऐसे लोग जो थोड़े से शांत स्वभाव के होते हैं और शॉर्टेड नेचर के होते हैं वो इस तरीके के एग्रेसिव स्टाइल से एक तरीके से डिसअपॉइंट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पैसिव एग्रेसिवनेस, तो ऑन द सरफेस ऑफ पैसिव एग्रेसिवनेस कम्युनिकेटर सीम्स क्वाइट येट देयर एक्टिविटी फ्रिक्वेंटली ओरिजिनेट फ्रॉम मोर एग्रेसिव मोटिवेशन। जो ये पैसिव एग्रेसिव कम्युनिकेशन होता है इसके अंदर जो कम्युनिकेटर्स होते हैं वो थोड़े शांत टाइप के होते हैं, लेकिन फिर एकदम से उनके जो फीलिंग्स होती हैं वो एकदम से कुछ भी बोल जाते हैं। दे हैव द एबिलिटी टू चेंज अ सिचुएशन टू देयर एडवांटेज, वो अपने फायदे के लिए सिचुएशन को बदल सकते हैं। द मोस्ट कॉमन वे दैट पैसिव एग्रेसिव कम्युनिकेटर एक्सप्रेस देमसेल्फ टू अदर इज थ्रू बॉडी लैंग्वेज। जो ये पैसिव एग्रेसिव कम्युनिकेटर होते हैं ये अपनी बात को किस तरीके से समझाते हैं, अपने बॉडी लैंग्वेज के थ्रू ज्यादातर अपनी बात को बता देते हैं। नेक्स्ट है असर्टिव स्टाइल, तो द मोस्ट कर्टियस एंड इफेक्टिव काइंड ऑफ कम्युनिकेशन एट वर्क इज ऑफन द असर्टिव स्टाइल। तो जो सबसे अच्छा एक इफेक्टिव तरीका होता है कम्युनिकेशन का वो असर्टिव स्टाइल होता है। While showing respect and courtesy, they fearlessly keep their thought in front of other. मतलब दूसरों की एक तरीके से रिस्पेक्ट करते हुए courtesy के साथ ही अपने thoughts को दूसरों के सामने रख देते हैं। They gladly accept challenges, but they also capable of saying no when necessary. ये challenges को भी accept कर लेते हैं और लेकिन जहाँ जरूरत होती है no बोलने की वहाँ पर ये no बोलकर भी काम सही कर देते हैं। These people are aware of their own boundaries and respect other in same way. इन लोगों को अपनी boundaries पता होती हैं और उसी तरीके से ये दूसरे लोगों के भी respect करते हैं। ये हो गए आपके styles of communication. Next topic है गया जो आपको पढ़ना है वो है transactional analysis. तो transactional analysis is a technique used to help people and better understanding their own and others' behavior. ये क्या है, एक तरीके की technique है जिसके through लोग क्या समझते हैं, अपना behavior और दूसरे लोगों का behavior अच्छे से समझते हैं, स्पेशली इन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ज्यादातर किसमें, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के अंदर। द प्राइमरी कंसेप्ट इन ट्रांजेक्शनल एनालिसिस आर ईगो स्टेट, ट्रांजेक्शन स्ट्रोक्स एंड वेज पीपल स्पेंड देयर टाइम। जो सबसे ज्यादा प्राइमरी कंसेप्ट होंगे, मतलब जिन चीजों को समझा जाता है ट्रांजेक्शनल एनालिसिस में, वो होता है ईगो की स्टेट, ट्रांजेक्शन स्ट्रोक्स एंड वे पीपल स्पेंड देयर टाइम, लोग अपना टाइम कैसे स्पेंड करते हैं, ये सारी चीजें इसमें समझी जाती हैं। ट्रांजेक्शन के टाइप से बताएं, ट्रांजेक्शन इज अ बेसिक यूनिट ऑफ सोशल इंटरेक्शन। ट्रांजेक्शन क्या होती है,
एक बेसिक यूनिट है जिसके थ्रू लोग एक दूसरे मतलब दूसरे लोगों के साथ एक तरीके का कनेक्शन क्रिएट करते हैं। इट कंसिस्ट एक्सचेंज ऑफ वर्ड एंड बिहेवियर बिटवीन टू पीपल। दो लोगों के बीच में वर्ड्स का और बिहेवियर का जो एक्सचेंज हो रहा है वो चीज कहलाती है आपकी ट्रांजेक्शंस। अब इसके टाइप क्या क्या है, पहले है कि कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजेक्शन, तो इट गोज और फ्लो थ्रू पैरेलल ट्रांजेक्शन। द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू इज सेंडर इन द सेम वे एज फ्रॉम रिसीवर। कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजेक्शन में क्या होता है, जिस तरीके से सेंडर बात कर रहा होता है उसी वे में रिसीवर भी बात करता है, वो चीज कहलाती है आपकी कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजेक्शन। क्रॉस ट्रांजेक्शन क्या होती है, एज द नेम सजेस्ट द कम्युनिकेशन रिस्पॉन्स क्रॉस ईच अदर। दीज ट्रांजिस्ट एग्जिबिट अ मोर सोशल बिहेवियर, फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडिया एंड क्रिएटिविटी। इसके अंदर क्या होता है, क्रॉस ट्रांजेक्शन होती है, मतलब दोनों अपोजिट वे में कम्युनिकेशन करते हैं। अल्टीरियर ट्रांजेक्शन, तो दीज ट्रांजेक्शन हैव मोर देन वन मीनिंग एट सेम सरफेस लेवल, दे माइट साउंड डिफरेंट from actual meaning of them at psychological level of individual. These type of transactions are used in order to show a socially acceptable behavior in the society. Ulterior transaction, वो transaction होती हैं ऐसी transaction जिनके एक से ज़्यादा meaning interpret किए जा सके और individuals की capability पर depend करता है कि वो इनका क्या meaning समझे, वो कहलाती है आपकी ulterior transaction. ठीक है, ये आपकी transaction के type हो गए। नेक्स्ट कंसेप्ट है वो आपको पढ़ना है जोहारी विंडो का। तो जोहारी विंडो कंसेप्ट वॉज डेवलप्ड बाई जोसेफ लुफ्ट एंड हैरी इंगम इन द ईयर 1955। द टर्म जोहारी वॉज कॉइंड बाई कंबाइनिंग द फर्स्ट फ्यू लेटर ऑफ देयर नेम। जोहारी विंडो एक कंसेप्ट है जो किसने, जोसेफ लुफ्ट ने एंड हैरी इंगम ने दिया था 1955 में। जोहारी इसका नाम कैसे पड़ा, तो इनके जो ये जोसेफ लुफ्ट थे इनके नाम के कुछ स्टार्टिंग के लेटर और हैरी इंगम के स्टार्टिंग के लेटरों को यूज करके ये जोहारी विंडो नाम इस कंसेप्ट का दिया है। इट इज अ पॉपुलर फ्रेमवर्क दैट वॉज डेवलप टू अंडरस्टैंड द डायनेमिक ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। किसी भी पर्सन की इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को समझने के लिए फ्रेमवर्क डिजाइन करा गया था। दिस फ्रेमवर्क हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ वन सेल्फ एंड अदर। ये किस चीज में हेल्प करता है, किसी भी पर्सन के बिहेवियर को समझने में और दूसरों के बिहेवियर को समझने में ये हेल्प करता है। देयर आर फोर क्वाड्रेंट इन दिस मॉडल, नेमली ओपन सेल्फ, ब्लाइंड सेल्फ, हिडन सेल्फ एंड अननोन सेल्फ। ये किस तरीके से समझता है, इसमें एक क्वाड्रेंट बनाया जाता है जिसमें चार पोर्शंस होते हैं और उनके नाम क्या क्या हैं, एक ओपन सेल्फ होता है, एक ब्लाइंड सेल्फ होता है, हिडन सेल्फ होता है, अननोन सेल्फ होता है। द मोर वी रिकॉग्नाइज अवर सेल्फ द मोर वी कैन इम्प्रूव अवर बिहेवियर। और इसके अंदर क्या करा जाता है, अपने आप को समझने की कोशिश करी जाती है कि हम जितना अपने आप को ज्यादा समझेंगे उतना ही हम अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले द ओपन और पब्लिक सेल्फ। तो दिस क्वाड्रेंट शोज व्हाट द पर्सन नोज अबाउट हरसेल्फ, हिमसेल्फ एंड ऑल्सो नोन बाय अदर्स। ओपन शेल्फ में क्या चीजें आती हैं, वो चीजें जो किसी पर्सन को अपने बारे में पता है और दूसरे को भी उसके बारे में पता है, वो चीजें सारी इसके अंदर आती हैं। इंडिविजुअल आर नेम्ड पब्लिक एज दे आर नोन बाय द सोसाइटी एंड देमसेल्फ, दे हैव नथिंग हिडन विद देम एंड दे आर फुल्ली ओपन टू वर्क विद एनीवन। तो इसके अंदर वो सारी एबिलिटीज, वो सारी आपकी कैरेक्टरिस्टिक जो सभी को पता है, आपको भी पता है और दूसरों को भी पता है, वो आएंगे आपकी ओपन सेल्फ की कैटेगरी में। फिर ब्लाइंड सेल्फ में क्या आता है, दिस इज अ सिचुएशन वेयर इन्फॉर्मेशन अबाउट एन इंडिविजुअल इज नोन टू अदर बट नोन टू हिम और हर। ब्लाइंड सेल्फ में वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स या इन्फॉर्मेशन आती है किसी इंडिविजुअल के बिहेवियर के बारे में जो कि दूसरों को पता है लेकिन उस इंडिविजुअल को खुद नहीं पता है। दिस एरिया इज ऑल्सो नोन एज ब्लाइंड एरिया और ब्लाइंड स्पॉट, इसको हम ब्लाइंड एरिया और ब्लाइंड स्पॉट भी कहते हैं। ब्लाइंड स्पॉट टेंड्स टू क्रिएट कंफ्लिक्ट एंड डिस्टर्बेंस इन वर्क लाइफ बैलेंस ऑफ एम्प्लॉय एंड अनप्लीजेंट एटमोसफियर कैन बी क्रिएटेड इफ दिस एरिया इज नॉट करेक्टेड बाई द मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट ने इन एरियाज को करेक्ट नहीं करा तो जो एक अनप्लीजेंट एटमोसफियर क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट है हिडन शेल्फ। तो द थर्ड क्वाड्रेंट रिलेट्स टू अ पर्सनैलिटी दैट इज हिडन टू एंटायर वर्ल्ड एंड ओनली नोन टू वन सेल्फ। हिडन सेल्फ में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं, वो इन्फॉर्मेशन या पर्सनैलिटी जो कि किसी को भी नहीं पता है, सिर्फ उस पर्सन को खुद पता है, वो चीज़ आती है हिडन सेल्फ के अंदर। द पर्सन एंजॉइंग हिडन फैक्ट फ्रॉम अदर एंड हैज अ वेरी प्रिमिटिव नेचर। तो इसके अंदर क्या करता है, पर्सन वो उस फैक्ट को अपने पास रखता है, किसी को भी नहीं बताता है। दिस नेचर कैन क्रिएट हिंड्रेंस इन वर्क। इससे क्या होगा, वर्क में हिंड्रेंस क्रिएट होगी, ऑब्स्टेकल क्रिएट होगा व्हेन सर्टेन इन्फॉर्मेशन इज नॉट कम्युनिकेटेड विद द डिजायर्ड पीपल। जब हम जिन लोगों को वो इन्फॉर्मेशन के बारे में पता होता है उसके बारे में उन्हें नहीं बताते हैं। लास्ट होता है इसमें अननोन शेल्फ। तो हेयर इन्फॉर्मेशन, एटीट्यूड, एक्सपीरियंस एंड एबिलिटी आर अननोन टू पर्सन एंड ऑल्सो टू अदर। ऐसी इन्फॉर्मेशन, एटीट्यूड, एक्सपीरियंस और एबिलिटी जो ना तो आपको खुद को पता है ना किसी और को पता है, वो सारी चीजें आएंगी अननोन सेल्फ के अंदर। काउंसलिंग कैन हेल्प एम्प्लॉय इन डिस्कवरिंग देयर अनएक्सप्लोर्ड सेल्फ एंड हेल्प देम टू एक्सप्लोर देयर हिडन टैलेंट। तो किसकी मदद से, काउंसलिंग वगैरह की मदद से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइंड करा जाता है एम्प्लॉयज के अंदर जो उसे खुद भी नहीं पता है, जो उसको टैलेंट पहचानने, उसका टैलेंट जानने में मदद करती हैं।
मैनेजर एंड लीडर कैन क्रिएट एन एनवायरनमेंट दैट इनकरेज सेल्फ डिस्कवरी एंड फीडबैक अमंग द वर्कफोर्स। और मैनेजर्स और लीडर क्या करते हैं, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जिससे एम्प्लॉय अपने ये अननोन सेल्फ को डिस्कवर कर पाए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारी ये यूनिट नंबर 3 कंप्लीट हो जाती है। मे बी आज की वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रही होगी, आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इस टाइप के और कंटेंट के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।